नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निशुल्क दवा योजना के आकलन में राजस्थान पहले स्थान पर आया है। मिशन के तहत 17 राज्यों की निशुल्क दवा योजना का आकलन किया गया था, इसमें राजस्थान को पहला स्थान मिला है। चिकित्सा विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि इस योजना में राजस्थान में 758 दवाएं शामिल हैं। दवाओं की संख्या को बढ़ाने को लेकर आगामी दिनों में बैठक रखी गई है। बैठक में मंथन के बाद दवाओं की संख्या में इजाफा किया जाएगा, साथ ही कैंसर, किडनी और हृदय रोग की दवाइयों को भी शामिल करने पर चर्चा की जाएगी। जो लेटर हमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने ओवरऑल समग्रता में हमें एग्जामिन किया है और हमें राजस्थान को उसमें बेस्ट माना और फर्स्ट रैंक मानी है, और साथ में उसमें जो दवाइयों की अनुपलब्धता है उसका भी आकलन किया। केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की शुरुआत का मकसद गरीब वर्ग को निशुल्क इलाज मिल सके। हालांकि केंद्र सरकार की योजना अभी तक प्रदेश में चालू नहीं हो पाई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी उस समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस योजना पर अमल नहीं किया गया और भामाशाह योजना के तहत लोगों का इलाज किया जाने लगा, और कहा कि केंद्र सरकार ने योजना की लेकिन इस योजना पर खुद केंद्र का ही ध्यान नहीं है। योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है और 40% राशि राज्य सरकारों को वहन करनी होती है। ऐसे में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 60% राशि नहीं दी गई है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह राशि देती है तो निश्चित तौर पर आम जन को राहत देने के लिए राज्य सरकार भी इस पर काम करेगी। कि जब इस स्कीम की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तब उन्हीं की पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, और उन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर अपने विचार दे दिए थे जो हम समय समय पर आपको बताते रहे हैं। अब और नए विचार क्या, हमारे विचार तो हमने जोड़े ही नहीं अभी। ये विचार उन्होंने ही दे दिए कि हमारी जो भामाशाह स्वास्थ्य योजना है वो ज्यादा बेटर है, ये हमने थोड़ी कहा, ये उन्होंने कहा दी है इस योजना को यहाँ लागू करने के लिए। तो जो योजना का स्वरूप है 60-40, क्या भारत सरकार ने 40% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट को रिलीज कर दिया है? तब तो हमारे पे सवाल उठता है कि हम इस योजना को तभी जवाब दे पाएंगे, हम कैसे जवाब देंगे बताओ। वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम ये योजना लागू कर रहे हैं, और जो योजना का स्वरूप है सारे राज्यों के लिए फेडरल स्ट्रक्चर है भी, और उन्होंने ये स्कीम दी है कि 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये करना पड़ेगा, 60% हम देंगे। आप ये सवाल 25 लोग जीत के गए हैं, उन लोगों से करो कि पूछो अपनी सरकार से पैसा रिलीज किया है क्या, तब तो हम भी जवाब दें।